हेलो फ्रेंड्स, सो आपका स्वागत है लेक्चर टू पार्ट टू में। एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं कि नहीं। सो एग्ज़ाम जो है अलीगढ़ के सारे पोस्टपोन हो गए हैं। सारे अप्रैल में जितने थे वो तो पोस्टपोन हो ही गए, और जितने भी पोस्टपोन हुए उनकी डेट जो है बाद में आएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी वन ऑफ़ द एंगल इज 25% मोर देन द सम ऑफ द अदर टू। इसमें यह कह रहा है कि एक एंगल जो है, मान लेते हम तीन एंगल हैं इसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ये कह रहा है कि दो का सम जो है, जो एक एंगल है वो दो, जो बाकी दो एंगल जो उनका, उनके सम के 25% से जो ज़्यादा है। मतलब एक्स, मान ली एक्स जो है कितना है, 1.25 सम ऑफ द अदर टू, सम कितना है वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हमें पता होता है कि तीन एंगल का सम कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो अब हम इसमें जो है, ये इसमें जो है रख देते हैं। ठीक है, सो वाई प्लस जेड की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स ओवर 1.25। इसमें हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू रख दे तो ये सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, सो लार्जेस्ट एंगल तो यही वो एक्स, सो एक्स प्लस एक्स ओवर 1.25 इज इक्वल्स टू 180। सो 2.25 एक्स इज इक्वल्स टू 180 इंटू 1.25, सो एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये उसकी जो है साइड्स हैं, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इफ ईच equal side is twice the base, then the length of the three sides of the triangle are, so मान लेते हैं ये जो है base है, तो ये दोनों side equal हैं। ठीक है, so each side is equal twice the base, so ये जो side है ये base के twice है, मतलब is equals to 2y। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी है 2y, जेड की वैल्यू कितनी है 2y, प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। सो 5y इज इक्वल्स टू 20y इज इक्वल्स टू 4, एंड और हमारी लेंथ एक्स और जेड कितनी हो जाएंगे, 2y इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो लाइंस है हमारी वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कब होती है, ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ए माइनस 1 एक्स प्लस ए प्लस 1y इक्वल्स टू 3a माइनस 1। सो इनकंसिस्टेंट जब होती हैं, जब 2 ओवर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 ओवर a प्लस 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3, सो a इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हम मान लेते हैं उसकी x है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हम मान लेते हैं y। अब वो कह रहा है स्पीड जो है 10 किलोमीटर फास्टर हो गई। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। सो
डिस्टेंस और टाइम उसको कितना लगता, मान लो टी लगा था पहले, अब उसको जो है 2 किलोमीटर कम, 2 घंटे कम लगेंगे, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये तो हमारा ओरिजिनल है। अब दूसरा क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई, एक्स प्लस 10 टी माइनस 2 हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अब स्पीड जो है ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। अब तीसरी कंडीशन ये हो गई कि डिस्टेंस तो सेम ही रहा, स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर कम हो गई, तो टाइम कितना हुआ, बढ़ गया। वाई इज़ इक्वल टू एक्स टी है, ठीक है, एक्स टी इसमें रखा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टी माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20, एक्स टी कैंसिल हो गया। सो 10t इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2x, टी की वैल्यू हो गई 20 प्लस 2x बाई 10। उसके बाद इस इक्वेशन में जाते हैं, y की वैल्यू कितनी, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स टी प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30, एक्स टी कैंसिल हो गया, 3x माइनस 10t, टी की वैल्यू कितनी है, 20x प्लस 2, 20 प्लस 2x, सो माइनस 20 प्लस 2x, 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, सो 3x माइनस 2x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 50, एक्स की वैल्यू हो गई 50। अब टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20 प्लस 100 बाई 0, 10 इज इक्वल्स टू 12। नाउ y इज इक्वल्स टू एक्स, टी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। सो हमारा आंसर आ गया डी, 600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें बताना है रियल रूट्स हैं कि अनइक्वल हैं, नॉन रियल रूट्स हैं, रियल हैं ना इक्वल हैं, कैसे हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो इसके रूट्स होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है सो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और अगर ये 0 है सो रूट्स होंगे हमारे रियल एंड इक्वल, ठीक है, और अगर ये लेस देन 0 है तो होंगे हमारे नो रूट्स, नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें होगा नो रियल रूट्स, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस बी स्क्वायर 400 हो गया, माइनस 4 इंटू 7 इंटू 1, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो रियल एंड अनइक्वल, दिस सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ये भी देख चुके हम, वैसे ही करना है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द बेस x सेंटीमीटर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ठीक है ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ये होगी मान लो h इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द बेस x है, और ये कितना है x माइनस 5, इससे 5 सेंटीमीटर कम है,
and the hypotenuse is 6 cm. Yeh 6 cm de rakhiye. Quadratic representation of above situation is. To main isme kya batana hai, sirf Pythagoras theorem lagana hai. Kya kehta hai wo, hypotenuse ka square is equals to x minus 5 square plus x square. Theek hai, isko hum jo hai isko expand karenge. A minus b square hota hai tumhara, a square plus b square minus 2ab. So 36 is equals to x square plus 25 minus 10x plus x square. So 2x square minus 10x minus 11 is equals to 0. ठीक है, so इससे हमारा ये तरह के जो आंसर आ जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद, एज ऑफ विलियम विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. ठीक है, सो प्रेजेंट एज मान लेते हैं विलियम के जो है एक्स है, और उसके सन के जो है वाई है. 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5, सन की एज हो जाएगी वाई प्लस 5. वो क्या है, और कंडीशन है कि एक्स प्लस 5 जो विलियम की एज है वो 3 times हो जाएगी वाई प्लस 5. सो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 10/3. ठीक है, उसके बाद आगे वो कहता है कि 5 years ago विलियम्स एज वॉज 7 times रेट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पहले विलियम्स की एज एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 times सन की एज. सो वाई की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई है, इसमें पुट कर देते हैं. सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस 10/3 एंड माइनस 5. सो x माइनस 5 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इज इक्वल टू 7x-70 एंड माइनस 15 इंटू 7. थ्री एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 70 माइनस 105. सो 4x इज इक्वल्स टू 160. So x is equals to 40. So present age of William is 40. अब ये क्वेश्चन कह रहा है दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 27 एंड 182. सो मान लेते हैं कि दो नंबर जो हैं x एंड y हैं, सो उनका सम कितना है 27, और उनका प्रोडक्ट क्या है 182. ठीक है, सो यहाँ से जो है x की वैल्यू, सो y की इक्वल्स टू 27 माइनस x जो है आ गई, यहाँ पे पुट कर दो y की जगह पे 27 माइनस x इंटू x इज इक्वल्स टू 182. सो 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपको ये पता है कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. सो दो स्क्वायर हैं. ठीक है, एक के हम साइड ए वन मान लेते हैं, दूसरे की ए टू. अब ये कह रहे हैं दोनों का सम कितना है 468. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर इक्वल्स टू 468. और ये कहता है डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4a1. ठीक है, और दूसरा का एरिया कितना, दूसरा का पेरीमीटर कितना 4a2. इन दोनों का डिफरेंस कितना 4a1 माइनस 4a2 इज इक्वल्स टू 24. ठीक है, 4 से 4 कैंसिल 6. सो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 6, इसको हम जो स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. ऐसा मत करिए, यहाँ पे कर देते हैं
ए वन इज इक्वल टू सिक्स प्लस ए टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए वन स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस ए टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब इसको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर वन एंड, एक रूट हमें दे रखा वन है, दूसरा पूछ रखा है, ठीक है। इक्वेशन हमारी है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। मान लो कोई रूट अल्फा, अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए अपॉन ए बी माइनस सी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अगर सम ऑफ द इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, बी अप माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर माइनस लगा दिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी। सो अल्फा की वैल्यू हमें वन दे रखी है, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर फाइव पेंसिल्स सेवन पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 50, ठीक है। मान लेते हैं एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है, पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट वाई है, सो फाइव एक्स, फाइव पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5x, और इसकी कितनी होगी 7y इज इक्वल्स टू 50। उसके बाद सेवन पेंसिल एंड फाइव पेंस टुगेदर कॉस्ट 46, सो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब हमसे पूछ रहे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू, सिंपल सा है, अभी हम सॉल्व कर लेंगे। वाई की वैल्यू कितनी होगी, 50 माइनस 5x बाई 7, 7x प्लस 5 इंटू 50 माइनस 5x इक्वल्स टू 46, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर लेंगे, 49x प्लस 250 माइनस 25x इज इक्वल्स टू, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। A quadratic polynomial is formed by the reciprocal of zeros of the quadratic polynomial, ठीक है। हमें दे रखा ये zeros of the quadratic polynomial, मतलब इसके जो roots हैं उनको reciprocal लेके जो हमें quadratic equation बनानी है, वो हमसे पूछ रहा है वो quadratic polynomial क्या होगी। equation 3x plus 2 equals to 0, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम जो स्प्लिट कर देते हैं, x square 2x square लाना है हमें, सो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू, सो एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। सो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन, सो इसके जीरोस कौन कौन से हो गए, वन एंड टू। अब जो हमें पॉलिनोमियल पूछ रहा है उसके जीरोस क्या होंगे, वो रेसिप्रोकल है, सो वन एंड वन बाय टू, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें वन की वैल्यू रख के और हाफ की वैल्यू रख के हम देख सकते हैं कि कैसे, नहीं तो हम जो है सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगी इस इक्वेशन की, एक्स माइनस वन एक्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन किसकी, रेसिप्रोकल ऑफ पॉलिनोमियल। इसके जो जीरोस को जो रेसिप्रोकल लेकर जो पॉलिनोमियल बनाएंगे उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये दे रखे हमें, ठीक है। कैसे करना है, इसके मान लो तीन रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका मान लो इसके एक्स स्क्वायर का जो भी है, एक्स स्क्वायर का कितना है -3, तो माइनस मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, सो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है -b अपॉन ए एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी अपॉन है, ठीक है। अब हमारे पास हमसे पूछ रहा है कि यार बी की वैल्यू क्या है, हमें ये दे रखा है इसके तीन रूट्स हैं, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ठीक है। बी बी से बी कैंसिल हो गया, सो 3a, इनका सम क्या होगा -b अपॉन ए, बी कितना है -3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, सो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो 1 वैल्यू कहाँ है, 1 वैल्यू हमारी यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको b b की वैल्यू भी निकालनी है तो क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कितना है a माइनस बी, ए इंटू ए प्लस बी, कितना है प्रोडक्ट -1, रख देंगे वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x3 -2x2 -10x -5 2 ऑफ जीरो सारे इतना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम सीधे सीधे करें तो कैसे करेंगे, पहले हम x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3, ठीक है। इससे हम जो एक जी एक्स की वैल्यू बनाएंगे, बनाइए, उसके बाद इस जी एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आया ये मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो दूसरे जीरोस मिलेंगे। आसान तरीका क्या है, ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऑप्शन थे 1,1 -1,-1 0,1 एंड 5,3 एंड -5,3, ठीक है। अब ये देखिए 1 और 1, ठीक है, और 0 1 1 आपने चेक किया, 1 में अगर ये 0 नहीं आ रहा है सो मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी। उसके बाद -1 आपको चेक करना होगा बस, -1 में अगर ये आ गया तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। -1 में चेक करते हैं, 3 -6 -2 +10 -5, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऑप्शन देखिए, उनको पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें लाइन की, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, एक लाइन जो दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। ये तब होती है 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a + b इज इक्वल्स टू 7/3a + b - 2, ठीक है। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a + 2b इज इक्वल्स टू 3a - 3b, सो 5b इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू 5b आ गया। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यहाँ से आ जाएगा 9a + 3b - 6 इज इक्वल्स टू 7a
plus 7b, ठीक है. सो 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 4b, ए की वैल्यू 5b है. सो 10b माइनस 6 इज इक्वल टू 4b, 6b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5. इस तरीके से आप जो इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. वरना ये नहीं करना है तो सीधे जो भी ऑप्शन है उनको भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके जो है आप ये कंडीशन लगा के जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कहता है कि ये दो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है. मान ली हो गई तो इसमें तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं. ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि एक्स और बी वाई की वैल्यू जब हम लेंगे तो सी की इनफिनाइट सॉल्यूशन है, करेक्ट. अगला क्या कहता है, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए. एक्स इक्वल्स टू ए क्या होता है, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. मान लो एक्स इक्वल्स टू ए ये पॉइंट है, ठीक है. सो एक्स इक्वल्स टू ए हर जगह जो है सेम रहेगा. सो ये जो लाइन बन रही है ये होती है हमारी एक्स इक्वल्स टू ए. ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के. सो बी ऑप्शन हमारा गलत है, करेक्ट, ठीक है. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. क्या कहता है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है. सो एक फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32. अब ये कह रहा है कि क्या कोई टेम्परेचर है जो दोनों में सेम है. मान लेते हैं वो टेम्परेचर एक्स है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 9x इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32, ठीक है. तो इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करते हैं. 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 32, फिर माइनस आ जाएगा, 4 इज 32, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 40. सो एक्स इक्वल्स टू माइनस 40 जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल रहता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वर्क पे बेसिस पे, टू मैन थ्री वुमेन परफॉर्म वर्क इन 8 डेज, ठीक है. मान लेते हैं कि वुमेन जो है, मैन रोज जो है एक्स पार्ट का वर्क का एक्स पार्ट करता है रोज एवरीडे, वुमेन जो है वाई पार्ट करती है, और चिल्ड्रन जो है वो जेड पार्ट करते हैं, मतलब रोज इतना काम करते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं कि दो मैन थ्री वुमेन 8 दिन में काम कर लेते हैं. ये 1 दिन में काम कर रहे हैं. सो दो दिन में दो मैन 1 दिन में कितना काम करेंगे, 2x. वाई पार्ट कितना करेंगे, वुमेन कितना करेंगे, 3y. और 1 दिन में 8 दिन में काम हो रहा है, 1 दिन में कितना होगा, 1/8, ठीक है. फिर कह रहा है 6 वुमेन एंड योर चिल्ड्रन परफॉर्म द सेम वर्क 4 डेज. सो 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है. उसके बाद फिर कह रहा है 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन परफॉर्म द सेम वर्क इन 16 डेज. सो एक्स प्लस 2z is equal to 1/16, ठीक है. ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4z 1/8. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमारी इक्वेशन बनी 3y माइनस 4z is equal to 0. 3y की वैल्यू हो गई 4z. अब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा. सो 8z प्लस 8z इज इक्वल टू 1/4. सो z की वैल्यू हो जाएगी 1/64. नाउ 3y इज इक्वल टू 4z. सो 3y इज इक्वल टू 4/64, 1/16. सो y इज इक्वल टू 1/48, ठीक है. एंड 3y इज इक्वल टू 1/16. नाउ 2x प्लस 3y
is equals to 1 upon 8. 3y की वैल्यू करनी है 1 by 16. 2x plus 1 by 16 is equals to 1 by 8. So x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 by 32. अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में? Find the number of days two men, three women and eight children shall take to perform the same work. ठीक है. So कितने? Two men, three women. Two men, three women and eight children. So 2x plus 3y plus 8z. 32 plus 3y. 3y की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 by 16 plus 8 upon 64. 16, 8 is 64. ठीक है. 1 by 16 plus 1 by 16 is equals to 1 by 8 plus 1 by 8 is equals to 1 by 4. So total days will be 4. ठीक है. इस तरीके से हम वर्क के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हमें करना है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. सो इसमें देखिए मॉडुलस फंक्शन है. अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ये होता है 0. तो ये तो इसे हम ओपन करते हैं x के फॉर्म में. लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से लेस होती है तो इसे होता है माइनस x. तो इसकी दो इक्वेशन बन जाएंगी हमारी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0. ठीक है. अब x स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 x x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3. सो x माइनस 3 x प्लस 2 x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है. अब इसके रूट्स भी हमें निकालने होंगे. x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू सो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. x स्क्वायर माइनस x प्लस x है सो प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2. ठीक है. सो x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 2. अब ये इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो सारे रूट्स इसके रियल रूट्स हैं तो सबका सम करेंगे. 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सम कितना है हमारा इसका? सम कितना है इसका? सम आया 0 आंसर. ठीक है. सो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें आप जाके जो है अपना क्वेरी पूछ सकते हैं. कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे सकते हैं. ठीक है.